और अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां भरतपुर के बयाना कस्बे की रहने वाली एक महिला की देर रात मौत हो गई। वही महिला के पिता का कहना है कि उनकी बेटी की हत्या तकिया से मुंह दबा कर की गई और इसके अलावा उसे करंट के झटके भी दिए गए। वहीं ससुराल वालों का कहना है कि रात करीब 2:30 बजे जब महिला पानी पीने के लिए उठी तो उसे सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। महिला के पिता ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी राजकुमारी की शादी 30 अप्रैल 2021 को नेवाड़ी थाना भुसावर के खरेरी थाना बयाना से राकेश से की थी। राजकुमारी के पति राकेश से उसकी भाभी के अवैध संबंध थे। वहीं राकेश सरकारी स्कूल में टीचर है। भाभी से अवैध संबंध होने के कारण राकेश और राजकुमारी में अक्सर झगड़ा होता था। शादी के 2 महीने बाद से ही राकेश ने राजकुमारी से मारपीट करना शुरू कर दिया था। राजकुमारी के पिता अनूप सिंह ने बताया कि शनिवार देर रात राजकुमारी का मुंह तकिया से दबाकर हत्या कर दी गई। वहीं हत्या को हादसा दिखाने के लिए उसे करंट के झटके दिए गए। राकेश के परिजनों का कहना है कि राजकुमारी देर रात पानी पीने के लिए उठी, जिसके बाद उसे घर में किसी सांप ने काट लिया, जहां वो राजकुमारी को लेकर बयाना अस्पताल पहुंचे। हालत गंभीर होने के कारण राजकुमारी को RBM अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल राजकुमारी के शव RBM अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज।